भूल गया मैं, तुम्हारे पास तो आया हुआ है। मैं प्री प्लान करती हूँ चीजें, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। अभी मत पहनो, अभी मेरे साथ ऐसे ही चलो नॉर्मली। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाद में पहनो, मैं जब भी पहनूंगा तभी पहनो, अभी मेरे को बुरा लगेगा। मैं कैसे आता हूँ तुम्हारे साथ पहनने के लिए, अलग कपड़े हैं। हाँ, अरे इतना क्या कपड़ा, लेके नॉर्मली चल 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 चलिए। कैसा है ये लड़कियां ना बोली नहीं मेरे की दिवाली में दो कपड़े बदलने, मेरे को लगा है दिवाली है दिल्ली वेर से मैंने एक मंगा लिया, मेरे को क्या पता एक दिन में चार कपड़े बदलती है ये। हैं से तुमको मैं बोल रही थी कि स्टिच करा लो, मतलब सिर्फ मैं नहीं मम्मा पापा दोनों बोल रहे, पापा ने जब दो स्टिच कराए तुमको पता नहीं चला बुद्धू कहीं का। अब मेरे को लगा एक ही पहन लूंगा, कल का दिन निकल गया हुडी में, आज का दिन भी निकल जाएगा ऐसे ही स्वेटर में। तो ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और मेरे को बता दो आप सारी कैसे, बढ़िया बहुत सही बहुत मजे में। मेरे को बता दो तो हम लोग भी फिलहाल वेस्ट साइड जाते हैं क्योंकि एक बेसिक कुर्ता तो उठाना ही पड़ेगा है ना, 8 मिनट दूर है, है ना। मैं अपना आउटफिट छोड़ के भी तुम्हारे साथ देखो कैजुअल कपड़ा पहन के आई तो दिवाली के दिन पे मैं तुमको इतना दूर तक लेके जा रही हूँ स्पेशली, है ना। तो तुमको भी मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए। क्या टेक्निकली दिया लेके नाचने बोल देगी अभी वो शाम को, बट मेरे को आईब्रो बनवाना है तो तुमको 5 मिनट बैठना पड़ेगा। एक घंटा बैठ लूंगा यार, क्या हो गया, तेरे लिए नहीं बैठूंगा तो किसके लिए बैठूंगा पता। ये बात भी सही है, पता नहीं किसी के घर पे वेबसाइट बनाया है क्या पता, अजीब सा है ये वाला कुर्ता लिया है। देखोगे लग तो अच्छा रहा है बट फिर वही है कि यही लग रहा है। तो हमने नहीं लिया वहाँ से कि मैडम को इतना खास नहीं लगा, बोली मॉल में जाके और थोड़े से ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ। मिलता है तो सही बात है, अंकल का कुर्ता पहन लूंगा, अंकल ने दो सिलवाया है ना। ये दूसरा कुर्ता मिला है वाइट, तो मतलब एकदम ज्यादा सेफ है ना। नाइस लग रहा है ये, आई थिंक आई विल बाय इट इवन इफ शी सेज नो। अच्छा लग रहा है। फाइनली तुम्हारे भाई ने ले लिया कुर्ता, अच्छा है, चिकनकारी का वर्क है और मेरे को मतलब हमेशा से इसको और मेरे को चाहिए था कि मैं पहनूं चिकन का कुर्ता। कुर्ता पहन के नाचेगा ना, हो सोनी सोनी अखियों वाली हम तेरे आसिक। ए क्यूटी, ये आज के दिन का सबसे क्यूटेस्ट थिंग मैंने देखा कि मॉम इसको साड़ी पहनाती है बट मॉम अभी नहा रही है, आधे घंटे से बैठ के लगता है बोर हो गया तो अभी खुद से साड़ी पहनने को ट्राई करता है। मैं भी सीख लेता हूँ देख के, मैं पहना दूंगा बाद में, है ना। आया अरे ये हमने ऐसा कुछ ट्राई किया, वो प्लेट्स मैंने उसको पहना के दिए। चलेगा, हम दोनों की भी तरफ से तुम लोग सब लोग को हैप्पी दिवाली एकदम दिल से। अभी तो बिलेटेड हो गया रहेगा जब तक ब्लॉग जाएगा बट जो भी है अभी रंगोली बना के आए, अंकल ने पैक कर दिया फाइनली वो। हमारी नाना को ये क्यों कर रहा, रंगोली बनाने की, वो इससे बनाने वाला है। हाँ। तुम कलर से नहीं बनाएगा वो, मेरे को लगा हमारे ऐसा वो ब्राउन कलर करके फिर कलर से ऐसा ऐसा करेंगे। डैम, 5-स्टार होटल के बाहर लगता है ना वैसा वाला, देखते ये भी कैसे बनता है। आओ। अरे
तो बस देखना चाहूंगा। बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा लाल पिछले साल सही बनाई थी, बहुत अच्छा। बहुत झटपट। हाँ। अब तो सोचे हाँ नहीं बनाएगी, हम तो बना भैया, हम तो अकेले है ना। हाँ। बच्चे अपने संस्कार इतना भी कर रहे हैं ना, बहुत है हम लोगों के लिए। हाँ। तुमको तो बहुत तारीफ मिलता है हर जगह पे। ऐसा मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे, सारे दिया हो जाते हो गया। धोखा हुआ रे, मारडन रंगोली का धोखा हुआ मेरे साथ। अंकल ने भी सेम बोला, इसको रंगोली बोलते हैं। अरे वाह वाह वाह, इसको सर्कल कर देते हैं ना, फिर तोड़ो और एक जगह पे कुछ तो बनाओ। उसको बनाया तो कुछ फूल पत्ती सर्कल कुछ तो बनाओ। सर्कल भी गोल नहीं है तो कि दिवाली तो चल जाए। हो गया हो गया। मेरे को लगा था रंगोली फुल ड्रॉइंग वॉइंग करेगी तो मैं स्लो मोशन में फुल शॉर्ट्स लूंगा इसके लिए। क्या हाँ, मेरा दिवाली स्लो मोशन शॉर्ट्स ले लिया, छीन लिया गया मुझसे। हाँ एक काम तो करो इस टाइम पे, आप एक काम लगा बेटा, इसके काम में हाथ नहीं लगाना। तो बोलना ही बड़ो बड़ो बड़ो। मेरे को स्टार्ट में लगा था कि ये वैक्स का कैंडल है, बट ये बताशे है। ये वाले छोटे छोटे हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही कितना कोल है, पूरा खा जाऊंगा। आज है डे टू, आज हम लोग का कैटलॉग शूट है, बट पता नहीं दोपहर के 2 बज रहे, एकदम शाम जैसा मौसम हो गया, पता नहीं क्या हो रहा भाई। और आज ही रात को डालने का सारा सब कुछ, शी एकदम बीमारी वाला मौसम। मैं बोला ना बारिश जैसा मौसम, बारिश चालू हो गया। क्या हो गया यार, विशाल का पर्स भी चोरी हो गया 2 दिन पहले, क्या हो गया यार। लोग मार दो क्या, 2020 के नॉट बी वर्स। इतना बारिश क्यों गिर रहा है, शूट कैसे करेंगे। नवंबर में बारिश होना मतलब एकदम अनयूजुअल। अरे पता नहीं आज के दिन का क्या, पता आए तो थे दोनों शूट करने, शायद अभी नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे हम लोग। सच में लाइट्स गया ना, दिस इज अ गुड मूवी। आधा छोड़ के जा रहे क्योंकि शूट कर सब लगान मूवी जैसे खड़े हैं यहाँ पर काले मेघा जैसे ही आएगा देख। बादल बादल एकदम का टाइम बाद दिल्ली में बादल दिख रहे हैं। बाय यार ब्रो, कल मिलते हैं ना 11 बजे। बाय बाय बंटा। ये था रिएक्शन। नहीं यार एकदम जेन्युइनली कैसा लगा, अच्छा लगा। वीडियो हैप्पी बैठो 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 पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, स्टार्ट। अरे हैप्पी लॉन्च बर्थडे टू न्यू हैश, ए टू न्यू हैश। म्यूट कर देना सारा। थैंक यू। फर्स्ट बाय कम मॉडल। बाय। बूम बूम।
Happy birthday and to new launch. Happy new launch. सबको congratulations. सबको बहुत सारा प्यार आया. आज ही मेरा बर्थडे है और मेरे को एकदम ज़्यादा सर्दी हो गया, पता नहीं क्यों कैसे. पर अभी शूट करने जा रहे हैं ऊपर, ऑलरेडी वो लोग रेडी है, तो फट से शूट कर लेते हैं क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा खिंच रहा है चीज़. और अभी भी जैसे कि तुम देख रहे हो बाहर स्काई ग्रे है, ऐसा लग रहा है बारिश गिर गया. क्या मैं लेके आ जाता हूँ? डैम इधर तो फुल चेंज हो गया यार, फुल चेंज हो गया यार. अभी प्लान है शूट गाड़ी पे करने का, बट उससे पहले गाड़ी चमकाना पड़ेगा थोड़ा सा. तो गाड़ी चमका के आए. डैम पूरा गाड़ी चमका दिया. डैम ब्रो हो गया तुम्हारे भाई का बर्थडे, बहुत अच्छे से मनाया. तो ब्रांड लॉन्च करने से अच्छा पार्टी तो हो ही नहीं था करना, कुछ टेबल करने, फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर करना बहुत बड़ा बात होता है. बहुत सारे लोगों ने विश, एकदम दिल को अच्छा लगा. अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत काम कर रहा था मैं तो. इसीलिए मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में अच्छे फील कराने वाले बहुत कम लोग हैं. और वो जरूरी नहीं है कि तुम पैसों से ही करा सकते, जो भी चीज करते हो दुनिया में किसी को करते हो तो खुश करने के लिए, किसी को गिफ्ट देते हो तो किसी को खुशी मिलती. जरूरी नहीं है कि वो पैसे से रिलेटेड ही हो, अगर तुम टाइम निकल के एक छोटा सा मैसेज भी करते हो तो उससे भी खुशी मिलती है. जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे लोग, जो लोग मेरे को कभी मिले नहीं है जिंदगी में, कभी नहीं मिले, बट तुम लोग टाइम निकाल के अगर मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करते हो या मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो या मेरा काम शेयर करते हो या जो भी है, जो भी चीज है, तो उससे खुशी मिलती है ना. तो ये मतलब ये मैक्सिमम है, तुम किसी के लिए भी कर सकते ना. पैसा वैसा तो वो सब सेकेंडरी चीज है, ठीक है. वो लोग अगर कोई पैसा देता है तो लोग खुश करने के इंटेंशन से नहीं देते, अपने फायदे के लिए देते हैं. पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी में बिलीव रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी विश किया. अपना ब्रांड लॉन्च हो चुका है, बुकिंग बहुत जल्दी चालू हो जाएगा. चलिए तुम लोग न्यू हैश को फॉलो करो. बुबू को भी थैंक यू, बुबू ने इतना अच्छे से मेरे को हेल्प किया, इतना छोटा सा होके मेरे को इतना छोटा तो नहीं छोटा सा होके इतना मेरे को हेल्प करके थैंक यू सो मच. तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं, एकदम नहीं. ये इसलिए क्योंकि मैंने तुमको लास्ट टाइम डांटा था कि तुमने मेरे को थैंक यू नहीं बोला. दैट्स राइट. तो जो भी है तुम लोगों को पता, तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को मारने का लाइक सब्सक्राइब शेयर. आई लव यू. ये सिर्फ इसके लिए, तुम लोग से भी बहुत प्यार है यार, क्या हो गया, खुद ज्यादा प्यार. अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी. और आई थिंक हैप्पी स्पॉट पीस. ये कमर टूट जाएगा पीछे से, बिस्किट जैसा टूटेगा. डर लग रहा था अभी टूटेगा.